अगर आप भी केएल राहुल और रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केएल राहुल और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे ही उड़ा कर रख दिए, लेकिन आखिरकार कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से आज न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम को आसानी से जिता दिया, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम से पहले T20 मैच को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम पहले से ही सीरीज में 1-0 की बढ़त से चल रही थी। अरब सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के मैदान में खेला गया। भारत के पास मौका था मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करके न्यूजीलैंड की टीम को करारा जवाब देना वर्ल्ड कप का, तो न्यूजीलैंड के पास आखिरी मौका था इस सीरीज में अपनी दावेदारी को घोषित करने का। खैर दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत आज रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई। ऐसा लग रहा था कि मानो टॉस के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम मुकाबला भी जीत चुकी है, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा का लकी चार्म ही ऐसा है भारत के लिए। खैर मुकाबले की शुरुआत में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी चुन ली, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही धाकड़ थी। गप्टिल के दम पर टीम के 5 ओवर में 50 से ज्यादा रन थे, लेकिन तभी दोस्तों गप्टिल दीपक चहर के हत्थे चढ़ गए और चहर ने अपना लोहा मनवाते हुए गप्टिल को आसान से जाल में फंसा लिया और वो कैच आउट हो गए पंत द्वारा। दोस्तों गप्टिल का आउट होना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। इस बीच चैपमैन और मिशेल ने रन जरूर लगाने चाहे, लेकिन अक्षर पटेल और हर्षल पटेल की जोड़ी ने इन दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक स्ट्रांग पोजीशन में आ चुकी थी। ओवर में टीम का स्कोर 90 तक था, लेकिन फिर फिलिप्स, सीफर्ट व नीशम जैसे खिलाड़ी आउट होने के बाद तो न्यूजीलैंड की टीम की कमर ही टूट गई। 137 पर अब न्यूजीलैंड के 5 विकेट थे। जैसे तैसे न्यूजीलैंड की टीम छठा विकेट गवाकर भी 153 पर तो पहुंच गई। जीतने के लिए अब 154 रन चाहिए थे। अब दोस्तों लक्ष्य कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं था, लेकिन मैदान में आकर आज केएल राहुल और रोहित शर्मा ने इस लक्ष्य को इतना ज्यादा छोटा बना दिया कि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों के होश तक उड़ गए थे गेंदबाजी कराते हुए। दोस्तों रोहित शर्मा की बात करें या फिर केएल राहुल की, तो उन्होंने ही मैदान में आकर सबसे पहले खुद को सेट किया, और पिछले मैच में जहां रोहित ज्यादा आक्रामक थे तो इस मैच में राहुल ने बाजी मार ली। लगभग 125 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के व 4 शानदार चौकों की मदद से केएल राहुल ने 37 गेंदों में 44 रन जड़ दिए थे। तो वही रोहित शर्मा कौन सा पीछे थे, लगभग 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए रोहित तो केवल छक्के में ही डील कर रहे थे। आपको बता दें कि रोहित ने 3 शानदार छक्कों की मदद से 22 गेंदों में 30 रन जड़ दिए थे और उनकी इसी पारी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत के बेहद ही करीब पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों खिलाड़ी मिलकर भारत को 100 के पार ले गए। और दोस्तों इसी बीच रोहित शर्मा का सामना हुआ था मिशेल सैंटनर से। लगातार छक्के जड़ रहे रोहित का सामना जब सैंटनर से हुआ तो रोहित ने तो जैसे उनपे अपना गुस्सा ही निकाल दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़कर सैंटनर के परखच्चे तोड़ा ही दिए थे। साथ ही 100 ओवर की चौथी गेंद पर कवर की तरफ से उन्होंने 85 मीटर का एक और लाजवाब शॉट खेला, और इसी से न्यूजीलैंड की टीम पर इतना प्रेशर बन चुका था कि भारतीय क्रिकेट टीम की जीत लगभग निश्चित नजर आ रही थी। अब जीतने के लिए मात्र 70 ही रनों की दरकार थी, लेकिन रोहित और राहुल की इस बल्लेबाजी ने जीत को लगभग निश्चित ही कर दिया था। परंतु दोस्तों आप सभी केएल राहुल और रोहित शर्मा की धमाकेदार बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।